वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज से रिलेटेड कुछ बेसिक फार्मूले से संबंधित कुछ जानकारी बताने जा रहा हूँ, जो इस फार्मूले की मदद से इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है और इसी फार्मूले की मदद से लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला क्या है, इसमें एक्सपोनेंशियल सीरीज का मतलब क्या होता है, चर घातांकी श्रेणी। तो कहने का मतलब है, अगर कोई सीरीज है e की पावर x का सीरीज का फार्मूला क्या होता है, e की पावर x का सीरीज क्या कहता है, e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से सीरीज चलेगी। अब e की पावर माइनस x, यहाँ पे सबसे बेसिक फार्मूला ये है, बस आपको क्या करना है, x की जगह पे माइनस x कर देना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे x की जगह पे माइनस x रख देंगे तो ये वाला फार्मूला आपका निकल जाएगा। तो 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, जब x की जगह पे माइनस x रखेंगे तो ये वाला टर्म्स मिल जाएगा, और जब x की जगह पे माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 का, अगर x का स्क्वायर अगर करते हैं, माइनस x का स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू प्लस में मिलती है। तो x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस, इसी तरीके से माइनस में x की पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या है, जिसमें पावर, मतलब जिस टर्म्स की पावर अगर इवन फॉर्म में है उसकी वैल्यू प्लस के फॉर्म में मिलेगी, और जिस टर्म्स की पावर अगर ऑड टर्म्स में है तो उसकी वैल्यू निगेटिव में मिलेगी। जहाँ पे x की जगह पे माइनस x रखोगे तो ये वाली सीरीज आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यह आपको इस तरह से फार्मूले आपको समझना है। एक ये फार्मूला होता है, e की पावर x का फार्मूला ये होता है कि इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव चलता है। सीरीज वही है, 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x की पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो और ऊपर वाले में क्या है, e की पावर x है, इसमें ऑल टर्म्स जो होते हैं पॉजिटिव, सारे टर्म्स जो हैं पॉजिटिव में होंगे, और e की पावर माइनस x के सीरीज में सारे जो टर्म्स जो होंगे उसमें अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव का क्रम चलेगा। अब यहाँ पे इन दोनों सीरीज को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने से ये वाला फार्मूला आपका प्राप्त हो जाएगा। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, जैसे ही आपको इन दोनों टर्म्स को, ये वाले टर्म्स को जोड़ेंगे तब आपका इसमें जो जो x की पावर जो है ऑड टर्म्स में है, x की पावर अगर ऑड टर्म्स में है, पावर अगर ऑड में है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और जो ये वाला जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जोड़ने पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या बचा, 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, और ये 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि दो टर्म्स दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डबल, और इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो ये आपका कट जाएगा। अब इसके आगे का टर्म्स क्या होगा, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसमें x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपका आगे का जो सीरीज है वो आपका इसमें x की पावर इवन के टर्म्स में है, जिसमें ये सीरीज प्राप्त होगी, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो इसकी वैल्यू इधर, ये 2 जो है इधर जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूला निकला है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो इसका जो फार्मूला होगा, इसमें ऐड में 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इसका ये फार्मूला होगा, ये वाला, इसमें सीरीज जो होगा इवन में चलेगा। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों टर्म्स को माइनस कर देते हैं, दोनों फर्स्ट और इक्वेशन 2 को माइनस करने पे ये वाला फार्मूला प्राप्त होगा। इसमें क्या है, इवन टर्म्स चल रहा था, इसमें ऑड टर्म्स चलेगा, तो ऑड टर्म्स वाला। तो जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका डबल हो जाएगा, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो जो कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से
जिसको इक्वेशन को सॉल्व करना आता है तो वो ये चीज आप ये वो ये चीज समझ जाएगा, प्लस करने पे क्या हुआ, माइनस करने पे कैसे सॉल्व करके निकला हुआ है। तो यहाँ पे ऐड करने पे ये वाला जो टर्म्स है, ये वाला टर्म्स डबल हो जाएगा और जो ये वाला टर्म्स है कैंसिल हो जाएगा। तो ये डबल होने की कंडीशन में टू हमने कॉमन ले लिया, तो इस तरह से आ गया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। तो ये इसके सीरीज बनेगी एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज चलेगा, माइनस का ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे लास्ट फार्मूला क्या है, ए की पावर एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, वन प्लस एक्स लॉग बेस ए प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स लॉग बेस ए का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स लॉग बेस ए का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो जब आपका ये सीरीज चलेगा ए की पावर एक्स, अगर ए की पावर एक्स के टर्म्स में है तो उसका अगर सीरीज अगर निकालना हो तो ये सीरीज होगा। अगर इस टाइप में सीरीज है तो ये निकलेगा, इस टाइप में सीरीज है तो ये निकलेगा। अब मान लीजिए अगर इस फॉर्मूले में अगर एक्स की जगह पे वन कर दें, एक्स की जगह पे वन कर देंगे तो ई की पावर वन की वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस, तो एक्स की जगह रखेंगे तो वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सीरीज चलेगी ई की पावर वन होने पे। अब जब ई की जगह पे माइनस वन कर देंगे तो अब क्या होगा, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव करना है, वन माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल वन अपॉन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल, ये क्रम चलेगा। इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चलेगा, इसमें इसमें आपका पॉजिटिव चलेगा। अगर ये वाला है आपका ई की पावर वन प्लस ई की पावर माइनस वन अपॉन टू, इस तरह से है। मान लीजिए कोई टर्म दिया है ई की पावर वन के फॉर्म में, ई की पावर वन का सीरीज क्या होगा, दोनों को जोड़ने पे वन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल वन अपॉन फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये सीरीज चलेगा। इसी तरह से इसका देख लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वल में ई की पावर वन प्लस ई की पावर वन e की पावर वन माइनस e की पावर माइनस वन अपॉन टू, इसकी सीरीज बनेगी वन अपॉन वन फैक्टोरियल वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल, ये क्रम बनेगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, x की जगह पे वन रख देंगे तो सीरीज आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। फॉर्मूले में अगर x की जगह पे वन वन रख देते हैं तो ये सीरीज आपको प्राप्त होगी, ई की पावर वन की सीरीज ये मिलेगी, ई की पावर माइनस वन की सीरीज ये प्राप्त होगी, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये सीरीज प्राप्त होगी, फिर दोनों इन दोनों को माइनस करने पे ये वाली सीरीज प्राप्त होगी। तो बस ये ध्यान रखना है, फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए किस एक्सपोनेंशियल सीरीज से रिलेटेड बड़ी आसानी से सवाल लगाए जा सकते हैं, बस आपको फार्मूले पता होना चाहिए। ए की पावर एक्स है तो वन प्लस एक्स लॉग बेस ए प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स लॉग बेस ए का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स लॉग बेस ए का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये चीज हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए अगर वन फैक्टोरियल है तो इसको हम केवल वन कह सकते हैं, टू फैक्टोरियल है तो इसे हम वन इंटू टू कह सकते हैं, थ्री फैक्टोरियल है इसको उल्टा लिखना है, टू इंटू वन इंटू जीरो जीरो फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब टू इंटू वन भी लेंगे और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, इसीलिए पूरा जीरो वाला नहीं लेते, सीधे सीधे जीरो फैक्टोरियल, मान लीजिए ये वन है तो इसको हम जीरो फैक्टोरियल ले सकते हैं, तो इस तरह से वन इंटू वन हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। टू फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी थ्री इंटू टू इंटू वन तो ये हो जाएगी छः, फोर फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन
तीसरे चार थी 12 दूनी 24। तो इस तरीके से इनका एक तरीका होता है फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने का। 4 है तो उल्टा चलना है, 4 3 2 1, लास्ट में 0 फैक्टोरियल आता है। 0 फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए अंत में 1 ही होगा, तो सीधे हमें 1 तक लेना है, बाकी छोड़ देना है। तो 4 3 2 1, इसका सीरीज ये बनेगा, इसका सीरीज ये बनेगा, इसका सीरीज ये बनेगा, इसका सीरीज ये बनेगा। अब मान लीजिए एन फैक्टोरियल है, इसको बोल सकते हैं एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, इस तरह से होगा, तो लास्ट में 0 फैक्टोरियल ज़रूर आएगा। तो कुल मिला के ये सीरीज का कॉन्सेप्ट होता है निकालने का। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई है, वैल्यू निकालिए, आसानी से फैक्टोरियल की वैल्यू निकल आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।